नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर सजल सरकार, BHMS। स्वस्थ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ते हुए एक कदम। और दोस्तों, आज हम और एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसका नाम है हेडेक। जी हाँ दोस्तों, हेडेक जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गया हमारा डे टू डे लाइफ में, और ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके कोई फैमिली मेम्बर को हेडेक ना होता हो। तो आज हम जानेंगे कि हेडेक कितने टाइप के हैं और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो फर्स्ट हेडेक है दोस्तों प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक दोस्तों जो है, जो प्राइमरी कॉज के वजह से होता है, जैसा कि हमारा डेली लाइफ का डिसऑर्डर, जैसे कि हम प्रॉपरली नींद ना लेना, सही टाइम से खान पान ना खाना, देर रात तक टीवी वगैरह देखना, लैपटॉप वगैरह में काम करना, मोबाइल देखना, ये सब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसके चलते हमारा सिर में हेडेक क्रिएट होता है। और अगर हम कोई मेजर, ये तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम इसका निदान ना करते हैं तो ये मेजर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अधिक रात तक टीवी वगैरह ना देखें, लैपटॉप वगैरह में देर रात तक काम काज ना करें, और सही टाइम से नींद लेना, 6 से 8 घंटा, पानी वगैरह प्रॉपरली पीना, 3-4 से 4 लीटर पानी पीना, खान पान से टाइम टू टाइम करना, ये सब अगर हम करते हैं तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये आसानी से ठीक हो जाता है, और जिसमें हमें कोई मेडिसिन का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इसे को ठीक ना करें तो ये ऑन फ्यूचर एक बड़ा रूप भी ले सकता है। सेकेंड हेडेक है दोस्तों साइनस हेडेक। साइनस हेडेक दोस्तों साइनस कैविटी के ब्लॉक होना की वजह से होता है, जो कि हमारा ये नाक के यहाँ पे फ्रंटल साइड में होता है, आँखों के चारों तरफ पेन होता है, फ्रंटल पेन काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे सिर में काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होना, नाक बंद होना महसूस होता है, और ये ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें अगर हम कुछ गर्म भाप वगैरह लेते हैं तो हमारा हेडेक में काफ़ी ज़्यादा आराम भी लगता है, सिर जैसा फटा फटा सा महसूस होता है। तो ये बोथ सेक्स में देखा जाता है, मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक दोस्तों माइग्रेन के चलते होता है, जो कि हमारा सिर में लेफ्ट साइड या राइट साइड से चालू होता है, कभी कभी ये हेडेक फ्रंटल साइड में भी होता है, ये बोथ सेक्स में दिखाई देता है, मेल एंड फीमेल, और फीमेल में अधिकतर दिखाई देता है दोस्तों। और ये जो हेडेक है ये दिन में कभी भी चालू हो सकता है, सुबह शाम रात को, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता है। इसमें पेशेंट को नौसिया एंड वॉमिटिंग का भी सिम्टम्स रहता है, सिर काफ़ी ज़्यादा फटा फटा रहता है, पेशेंट को कोई काम काज करने के लिए मन ही नहीं लगता, हमेशा पेशेंट लगता है कि जैसे कि लेटे रहें, और ये कुछ पेशेंट को वीकली एक बार होता है, कुछ पेशेंट को 15 डेज में एक बार होता है, कुछ पेशेंट को मंथली एक बार होता है, ऐसे हर पेशेंट को अलग अलग वैरायटी में पेन होता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों जेंट सेल आर्टरीज हेडेक। जेंट सेल आर्टरीज हेडेक दोस्तों ये आफ्टर द एज ऑफ 55 होता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ब्रस्टिंग पेन महसूस होता है, बोथ सेक्स में दिखाई देता है, मेल एंड फीमेल, जिसमें कि शोल्डर एंड हिप जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों ब्रेन ट्यूमर हेडेक। ब्रेन ट्यूमर हेडेक में दोस्तों ये ब्रेन में जब ट्यूमर होता है तभी ये हेडेक होता है। प्राइमरी स्टेज में तो हेडेक के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, जैसे लगता है कि नॉर्मल हेडेक है, लेकिन एज द डे प्रोग्रेस समय बीता जाता है, हेडेक ठीक होने का नाम नहीं लेता है, तब ये हेडेक लगता है बड़ा रूप लेता है, हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, और तभी हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं उस केस में, और अगर हमारा तभी हमारा सीटी स्कैन MRI वगैरह सिर का होता है, तभी पता चलता है कि ब्रेन में ट्यूमर है, इसके चलते ये हेडेक हो रहा है, और इमिडिएटली अगर हम इसको ऑपरेट ना करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रूप भी हो सकता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक दोस्तों हमारा डेली लाइफ का दिनचर्या की वजह से होता है, और जैसा कि हमारा हर इंसान को कुछ ना कुछ आज के डेट में टेंशन रहता है, किसी को पढ़ाई सही तरीके से ना होने का टेंशन, किसी को अपर लाने का टेंशन, किसी का बिजनेस तरक्की करने का टेंशन, किसी का बिजनेस अप एंड डाउन होने का टेंशन, किसी का फैमिली टेंशन, ऐसा कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहता है, जिसके चलते हमारे सिर में हेडेक क्रिएट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी हो जाता है। अगर हम इस टेंशन को दूर ना करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, ताकि हमारे सिर में कोई हानिकारक प्रभाव पड़े और इस टाइप का हेडेक प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये बहुत सेक्स में दिखाई देता है। और डेली अर्ली मॉर्निंग अगर हम योगा वगैरह करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क दिमाग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहता है, शांत रहता है, तनाव से मुक्त रहता है, और हमें टेंशन से लड़ने का भी शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों लुम्बर पंचर हेडेक। लुम्बर पंचर हेडेक जैसे दोस्तों जब लुम्बर वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तभी ये
हेडेक क्रिएट होता है, और ये सिर में पूरे सिर में पेन चालू होता है, थ्रोमिंग प्रेसिंग पेन चालू होता है, और पेशेंट जब बैठता है या बैठ गए उठने के बाद में इसमें पेन काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। पेशेंट जब लेट जाता है तब पेन उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों स्पाइनल हेडेक। स्पाइनल हेडेक दोस्तों स्पाइनल इंजरी के चलते होता है, और इसमें सिर के पीछे तरफ काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है, सिर फटा फटा भारीपन महसूस लगता है, और ये हेडेक बोथ सेक्स में होता है, मेल एंड फीमेल को। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक दोस्तों ये आंखों के चारों तरफ दिखाई देता है, फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल साइड में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और ये हेडेक भी बोथ सेक्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों मेंस्ट्रुअल हेडेक। मेंस्ट्रुअल हेडेक स्पेशली फीमेल लोगों में दिखाई देता है दोस्तों, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के आरंभ होने के 2-3 दिन पहले से चालू होता है और 4-5 दिन तक रहता है, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट ना होता, उसके बाद में ये हेडेक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों सनस्ट्रोक हेडेक। सनस्ट्रोक हेडेक दोस्तों ये सूरज के रोशनी के चलते होता है, और जब भी पेशेंट सूरज का रोशनी का कॉन्टैक्ट में आता है इमीडिएटली पेन चालू हो जाता है, पूरा सिर लगता है जैसा कि फट जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस महसूस लगता है, आँख लाल हो जाता है, उस केस में हमें इमीडिएटली सिर वगैरह में पानी देना चाहिए ताकि सिर ठंडा हो और पेन में काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस हो, और नहीं तो ये अन्यथा काफ़ी बड़ा रूप भी ले सकता है। नेक्स्ट हेडेक है दोस्तों गैस्ट्रिक हेडेक। गैस्ट्रिक हेडेक दोस्तों गैस्ट्रिक के वजह से होता है, जैसे कि हमारा डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तेल मसाला का सब्जी खाना, समोसा कचौड़ी वगैरह खाना, पनीर का सब्जी खाना, ये सब के चलते पेट में काफ़ी ज़्यादा गैस होता है, और इसके चलते हमें सिर में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और जैसे कि गैस्ट्रिक का सिम्टम्स कम हो जाता है या गैस कम हो जाता है, इमीडिएटली पेन में काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा तेल मसाला के चीज़ को हम ना खाएं। तो ये तो हो गया दोस्तों हेडेक के बारे में, और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए हेडेक के बारे में तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मन में कोई शंका कोई दुविधा हो तो भी आप उसको आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और हेडेक के बारे में कोई कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको होम डिलीवरी करते हैं मेडिसिन हर मंथ, जब तक आपका प्रॉब्लम ठीक ना होता हो। और भी कोई बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस टॉपिक को कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके ज़रिए दूसरे लोगों को भी पता चल पाएगा कि ये टॉपिक उनके लिए अच्छा है या ना है, अगर बुरा है तो भी अच्छा है, और अगर अच्छा है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और अगर टॉपिक में कुछ कमी रहेगा तो भी हम उसको सुधार के लिए कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतरीन टॉपिक हेल्थ टॉपिक बना के दे सकते हैं जो आपके काम काज का हो और आपका हेल्थ रिलेटेड स्वस्थ रहे। इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, नमस्कार।